नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI एजुकेशन स्किल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फैन रेगुलेटर कनेक्शन और फैन में कैपेसिटर कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी कनेक्शन करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी दबा के आल पे प्रेस कर लें। चलिए वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले हम लोग MCB से एक फेज वायर लेकर आएंगे और स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से कनेक्ट कर लेंगे और इसके बाद स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेकर आएंगे और फैन रेगुलेटर के एक वायर में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों, सेकेंड वायर से हम लोग एक वायर लेकर जाएंगे और फैन के रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद न्यूट्रल वायर लेकर आएंगे और न्यूट्रल वायर लेकर आकर हम लोग फैन के कॉमन वायर में कनेक्ट करेंगे। देखिए, फैन के कॉमन वायर में कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कैपेसिटर से एक वायर लेकर आएंगे और फैन के स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों, इसके बाद कैपेसिटर से सेकेंड वायर लेकर आएंगे और फैन के रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग वायरिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं फैन का, ये SRC वायर, तो ये जो है, यस का मतलब होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग और आर का मतलब होता है रनिंग वाइंडिंग और सी का मतलब होता है कॉमन वायर। और दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग इसका फुल वायरिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों, यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोगों को फुल जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी दबा के आल पे प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।